गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम साखियां पढ़ रहे थे जिसको लिखने वाले कवि कबीर जी थे। आगे आज हम साखियों को पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला, निर्पक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ये आपका है साखी। आइए इसका भावार्थ देखो। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उसको पहले समझ लीजिए। पखा पखी, पखा पखी का निरपक, निरपक्ष का अर्थ है निरपेक्ष या फिर निष्पक्ष। सोई मतलब वही, सुजान सुजान मतलब ज्ञानी, ठीक है। तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी में मनुष्यों को वाद विवाद में न पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है कवि ने, ठीक है। आइए इसका भावार्थ देखें। इस संसार के जो लोग हैं वो पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे में यानी कि अंधेरे या फिर अज्ञानता में पड़े हुए रहते हैं। जो किसी पक्ष के साथ जुड़ जाता है उसे उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं, जबकि दूसरे पक्ष की अच्छी बातें भी उसको कैसी लगने लगती हैं, बुरी लगने लगती हैं। अपने पक्ष के प्रति अंधश्रद्धा मतलब बिना सोचे समझे विश्वास करना तथा विरोधी पक्ष के प्रति अंध विरोध के कारण व्यक्ति दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है, है ना। जब क्योंकि वो उस चीज को देखना ही नहीं चाहता है और ना ही उसको समझना चाहता है ना, और इस कारण वो चीजें वो नहीं देख पाता और नहीं समझ पाता और उससे वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं से जीवन भर चिपका रहता है और वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में नहीं पड़ता और निरपेक्ष होके या तटस्थ मतलब अपनी जगह पर अड़िग रहना है ना, और निष्पक्ष होकर ईश्वर के प्रति एक निष्ठ रहता है, उसी व्यक्ति को क्या माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। तो हमें क्या इस साखी से हमको क्या समझ में आता है कि हमें कभी भी व्यर्थ में किसी भी का पक्ष और विपक्ष लेने में अपना इच्छा मतलब नहीं दिखानी चाहिए। हमको हमेशा सही का साथ देने की ही कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद बिना किसी का पक्ष लिए हमको क्या करना है, ईश्वर भक्ति करना है। और ऐसा व्यक्ति जो करता है वही सच्चा संत कहलाता है। चलिए अगली साखी हम लोग देख लेते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी न जाए, ठीक है। इसका भी आप शब्दार्थ लिख लीजिए। मुआ, मुआ का अर्थ होता है मर गया। मुआ का क्या अर्थ होता है, मर गया, है ना। खुदाई तो आप जान ही रहे हैं, खुदा या अल्लाह से संबंधित। सो मतलब वही, सो मतलब वही। जीवता, जीवता मतलब जीवित है। दुहू, दुहू मतलब दोनों दोनों। निकटी मतलब निकट, पास में, है ना। नहीं मतलब निकटी न जाई मतलब नहीं जाता, जाई मतलब जाना। तो आइए आप इसको समझ लीजिए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी न जाए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी धार्मिक मतों एवं प्रपंचों से बचने की सलाह देते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर एवं राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गए, ये दोनों अपना जीवन नष्ट करते हैं। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, लोग भ्रमवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। राम और खुदा एक ही हैं, उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के बहकावे में न आए और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। इन सब झंझटों से दूर रहने वाला ही उचित ढंग से जीवन जी सकता है।
तो देखा आपने, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा क्या होता है, हिंदू जो है वो राम राम कहते कहते और मुसलमान जो है वो खुदा खुदा करते करते ही इनका सारा समय जो है वो निकल जाता है, लेकिन इनका जीवन जो है ये नष्ट हो जाता है। ये ऐसे व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित हैं ही नहीं। कबीर के अनुसार ऐसे व्यक्ति जीवित हैं जो दोनों के विषय में नहीं लगते और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक हैं, लोग ही उन्हें भ्रमवश अलग अलग मानते हैं। राम और खुदा दोनों एक ही हैं, अतः उनके नाम पे किसी प्रकार का भी भेदभाव उत्पन्न करना सही नहीं है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। काबा, काबा का क्या अर्थ होता है? काबा है मुसलमानों का पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान आप कह सकते हैं जिसे। काशी, काशी यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। भया, भया मतलब हो गया है ना। मोट, मोट मतलब क्या होता है? मोटा। चून, चून मतलब आटा। मैदा क्या है? आटे का महीन रूप। जी मतलब बैठकर खाना या फिर भोजन करना। देख लिया आपने। चलिए, तो इस साखी में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। आइए हम लोग इसका भावार्थ देखें। इस साखी का मूल भाव क्या है? इस साखी में हमें बताया गया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मतलब दोनों की सत्ता कैसी है? एक ही है। इनको जो है अलग अलग मानना हमारे मिथ्या ज्ञान की ही निशानी मानी जाएगी, मतलब झूठा ज्ञान है हमारा। संत कबीर जो हैं काबा और काशी में कोई अंतर नहीं मानते। कबीर जी के अनुसार काबा और काशी में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही स्थानों पर क्या है? ईश्वर का निवास है जो घट घट वासी है। कहने का मतलब ईश्वर जो है वो हर जगह विराजमान है, हर जगह निहित है। आगे बोलते हैं कबीर जी कि जिस प्रकार वो उदाहरण देते हुए समझा, तो वो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। लेकिन है वो क्या है? तो वो आटे का ही रूप। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे राम के नाम से जानिए या फिर अल्लाह के नाम से जानो, इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है और उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए अब हम अगला साखी देख लेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ठीक है, आइए इसका देख लीजिए शब्दार्थ। कुल, कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ होता है वंश या फिर जाति। जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, का अर्थ है क्या। आगे देख लीजिए। जे मतलब जिसकी, करनी मतलब काम या कार्य, सुबरण, सुबरण मतलब स्वर्ण, सोना, सुबरण मतलब क्या हुआ, सोना या स्वर्ण, कलश, कलश। ठीक है, सुरा, सुरा किसको बोलते हैं? मदिरा को। किसको बोलते हैं? मदिरा को, आप जिसे शराब के नाम से भी जानते हैं। सोय, सोय का मतलब है उसका या सोई, उसका। ठीक है, तो इस साखी में हमको यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति को हमेशा कैसे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल ऊंचे जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं बन जाता या महान नहीं बनता है। आइए इस साखी का भावार्थ देखें। प्रस्तुत साखी में अच्छे और नेक कर्म करने पर बल दिया गया है, हमको समझाया गया है कि हमको सदैव कैसे कार्य करने चाहिए, अच्छे और नेक कर्म जिससे दूसरों का भला हो। व्यक्ति जब अच्छे कर्म करता है तो उसे उसे सम्मान मिलता है।
अतः व्यक्ति जो है सदैव अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है। उसकी जाति या फिर कुल नहीं देखा जाता, वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है ना, लेकिन अगर उसके अच्छे कार्य नहीं है, उसके कारण जो है वो नीच होते हैं, तो क्या है, उसे निंदनीय ही माना जाएगा, उसकी प्रशंसा नहीं होगी, है ना, उसे निंदा ही मिलेगी। जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं वही ऊंचा कहलाने का सच्चा अधिकारी होता है। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता। कभी कभी उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर सोने के कलश में शराब को रख दिया जाए तो क्या होता है, साधु जन हमेशा उसकी बुराई ही करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति भी जैसे कर्म करता है उसकी पहचान भी वैसी ही होती है। तो ये था बेटा आपके साथियों के भावार्थ, आप इसको अच्छे से समझिए और दिए गए कार्य को अपने क्लास व कॉपी में लिखते चलेंगे। आपको शब्दार्थ भी दिए गए हैं और हर एक साखी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, उसे आप अपनी क्लास व कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।